एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एंड द प्रॉब्लम इज टू चार्जेस ईच ऑफ प्लस 2 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4 मीटर एंड अदर एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 4 मीटर. सो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू चार्जेस अ थर्ड चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट from y is equals to 0.3 meter. Find the maximum kinetic energy attained by the third charge after the release. तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसकी पहले फिगर बनाता हूँ, और फिगर को अगर आप गौर से देखें, टू चार्जेस आर प्लेस हॉरिजेंटली on x-axis, plus 2 microcoulomb is at on the negative x-axis, and another plus 2 microcoulomb is on the positive x-axis, and both charges has a distance from origin is same, which is 0.4 meter in either side, and a third charge which is 4 microcoulomb is placed at y is equals to 0.3 meter from the origin. So we have a three configuration of charges in this problem. Aur problem mein aapse ye pucha ja raha hai ki ye jo third charge hai, which is 4 microcoulomb, isko jab aap release karenge yahan se, to phir iski velocity kya hogi ya इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो एक बात आप जानते हैं, हम पिछले कई लेक्चर्स में ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर वन चार्ज और बोथ ऑफ दिस चार्ज, ये जो थर्ड चार्ज है इसको अगर यहाँ पर फिक्स किया हुआ है आपने, तो फिर फिक्स करने की वजह से इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर्ड है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप इसे फ्री करेंगे, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इस प्रॉब्लम में अगर हम इस पार्टिकल के ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है वो अगर निकाल लें, तो एग्जैक्टली वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और उसको हम काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करेंगे, और हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर. तो वहाँ से हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. लेकिन चलें सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं. इस सिस्टम में दो किस्म की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हैं. एक एनर्जी इन दोनों चार्जेस के दरमियान स्टोर्ड है, जिसे हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कूलम कांस्टेंट के अलावा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होता है, और यकीनन उनके दरमियान डिस्टेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए. और दूसरी एनर्जी है इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान, और चूंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम दोनों एनर्जीज को, यानी एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस निकाल लें, सो वी कैन जस्ट एड अप बोथ एनर्जीज एंड देन वी equate this energy with the kinetic energy, and then we will have kinetic energy or velocity, whatever you want. तो चले हम इसे अब अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं इस टेस्ट चार्ज और इस सोर्स चार्ज के दरमियान. तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, बस हमें इनके दरमियान डिस्टेंस चाहिए. अगर आप ज़रा गौर से देखें, ये जो चार्ज है इस ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस हमें गिवन है, विच इज
0.4 मीटर, और वर्टिकल डिस्टेंस भी हमें गिवन है प्रॉब्लम में, व्हिच इज 0.3. तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ये डिस्टेंस हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि बराबर होता है, आप इसे कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, व्हिच इज इक्वल्स टू 0.5. So in order to calculate electric potential energy, अगर उसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूं, जो के बराबर होता है potential energy is equals to Coulomb constant Q1 Q2 divided by R. तो अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, K को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसे एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो Q1 की वैल्यू है Q 10 to the power minus 6, एंड Q2 इज 4 10 to the power minus 6 divided by 0.5. If you solve it, you will have K, and 4 to the 8, 8 to the 16, 10 to the power minus 12. And now this is the potential energy between these two charges. So now let's determine the potential energy between these two charges. यहाँ पे हम ये charge इस्तेमाल करेंगे और ये charge इस्तेमाल करेंगे. Again, the distance between these two charge is same as 0.5 meter. So, okay. So potential energy in this case would be constant Q1 Q2 divided by R, Coulomb constant 2 into 10 to the power minus 6, 4 into 10 to the power minus 6 divided by 0.5. And similarly, if you solve it, you will have a potential energy K 16 10 to the power minus 2. So the total potential energy can be written as by just adding both potential energy, which is twice of K 16 10 to the power minus joule, because joule, because this is energy. If you go back to the figure, तो अभी हमने जो energy निकाली है वो actually इस system की निकाली है जहां पर ये दो source charge हैं, और third charge को जब आपने place किया तो system में दो किस्म की potential energy store हुई है, और वो दोनों potential energy हमने निकाल के आपस में ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली. तो अब अगर इसे यहां पर फिक्स रखा जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर होगी, लेकिन जैसे ही इसे हम रिलीज करेंगे तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है इस सिस्टम की, वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के
अगर ये थर्ड पार्टिकल फ्री कर दिया जाए तो मैं इसे लिख सकता हूं when we free third particle which is 4 microcoulomb then the total potential energy must be equal to kinetic energy. Lehaza, mere paas jo kinetic energy ki value aayi hai, wo aayi hai ye jo humne yahan par nikala hai. Is potential energy ko agar main mazid simplify kar loon, to 16 to the 32 times Coulomb constant and 10 raised to the power minus 12. So let me write kinetic energy. Iski bhi unit joule hogi. Okay, now if you substitute a value of k, then you can calculate a number which is 32.9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12. और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट नंबर मिल जाएगा विच इज 0.288 joule. ओके, अब एक प्रॉब्लम हम पोटेंशियल का भी देख लेते हैं. तो प्रॉब्लम है, फिगर शोज 4 अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑल ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. रैंक द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन. मोस्ट पॉजिटिव फर्स्ट and take the potential to be zero at infinite, जो कि इसकी requirement है. यानी आपके पास A, B, C, D चार different charges की configuration given है और हर configuration में आपको origin पर potential निकालना है तमाम cases में. तो और पोटेंशियल निकालने के बाद फिर आप कंपेयर करेंगे कि किस केस में पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है. आपको याद होगा कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पर डिपेंड करती है. और पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं. और पॉजिटिव और नेगेटिव की अपनी अलग अलग मीनिंग है, जिसे हमने अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. तो चलिए, अब हम अगर इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखूं, तो फॉर्मूला होता है कूलम कांस्टेंट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम टेस्ट चार्ज टू द पॉइंट जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. यानी फर्ज कर लीजिए कि इस जगह पर एक चार्ज है और इस चार्ज की मदद से आप किसी एक पॉइंट पर, जिसको मैं पी कह देता हूं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो उस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंड द आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट पी.
ذہن میں رہے کہ جس جگہ پر پوٹینشیل نکالا جا رہا ہو وہاں پر چارج کو پلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چارج کو پلیس کرنے کی ضرورت ہمیں صرف اس وقت پیش آتی ہے جب ہم پوٹینشیل انرجی نکالتے ہیں. پوٹینشیل نکالنے کے لیے ہمیں چارج پلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر فارمولے میں دیکھیں تو فارمولے میں آپ کے پاس صرف ایک چارج کی ویلیو نظر آ رہی ہے جو کہ سورس چارج ہے, یعنی ٹیسٹ چارج کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو اب آپ کے پاس یہ چار ڈفرینٹ کانفیگریشن ہیں, اے بی سی اور ڈی. تو لیٹ می ڈیٹرمن پوٹینشیل ایٹ اوریجن ان آل کیسز ون بائی ون. سب سے پہلے ہم فرسٹ کیس کو لے رہے ہیں جہاں پر ایک چارج ہارزنٹلی یہاں پہ ایکس ایکسس پر ہے اور دوسرا چارج ورٹیکلی وائی ایکسس کے اوپر ہے. جو ہارزنٹل ایکسس پہ ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہے -9Q اور جو ورٹیکل ایکسس پہ ہے اس کا میگنیٹیوڈ ہے +2Q. اور ان کے درمیان ڈسٹینس ایکول ہے, لیکن اس کی ویلیو کیا ہے یہ یہاں پر نہیں گیون ہے. تو ہم اپنی آسانی کے لیے اس ڈسٹینس کو ایز اے یونٹ ڈسٹینس کہہ دیتے ہیں, وچ از ایکولس ٹو 1, کیونکہ تمام ڈسٹینسز آپس میں اس کیس میں بھی برابر ہیں اور اس کیس میں بھی اوریجن سے لے کر تمام چارجز تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ برابر ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. تو تمام ڈسٹینسز کو میں 1 لے رہا ہوں تاکہ ہمارے پوٹینشیل کی ایکویشن میں جو نیچے ڈسٹینس ہے وہ ہم یہاں پہ 1 سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے تو ہماری ایکویشن زیادہ سمپل ہو جائے گی. اور کے کی بھی میں ویلیو کے بجائے اسے کے ہی استعمال کر رہا ہوں, اور یہ جو کیو ہے ان کی ویلیو یقیناً ہم یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کریں گے اور ان چارجز کی ویلیو ان کے سائن کے ساتھ یہاں پہ استعمال کیا جائے گا. تو چلیں سب سے پہلے میں اگر فرسٹ کیس کو لوں, یعنی فار اے, تو اس کیس کے لیے جو پوٹینشیل کی ویلیو ہوگی وہ آپ لکھیں گے V1 V2. یعنی یہاں پر دو قسم کا پوٹینشیل ہوگا, جس میں اس کو ہم V1 کہیں گے اور اسے آپ V2 کہیں گے. اس کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں, ورٹیکل ایکسس کو آپ V1 کہہ لیں اور ہارزنٹل ایکسس کو آپ V2 کہہ لیں, یہ اٹ ڈیپینڈس اپ ٹو یو. لیکن بس یہ ذہن میں رہے کہ دونوں کو ہم الگ الگ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم نام دے رہے ہیں. تو ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 1 ہے اور جو چارج ہے وہ 9Q ہے, ان فیکٹ -9Q ہے, اور ورٹیکل ایکسس پہ جو چارج ہے وہ +2Q ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں اسے سالو کروں, چلیں ان کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. سو کولم کانسٹنٹ -9Q ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس کولم کانسٹنٹ پلس 2Q ڈیوائڈیڈ بائی 1. And if you simplify it, you will have -7KQ. Okay, second case ki taraf agar hum jaye figure B mein, to again horizontal axis par -3Q ہے, اس کو ہم V1 کہہ دیتے ہیں, اور ورٹیکل ایکسس پر -2Q ہے, اسے ہم V2 کہہ دیتے ہیں. اور جب اس کو ہم آپس میں ایڈ کریں گے فار فیگر بی, so potential would be
v1 plus v2 Coulomb constant. If you look at the figure, minus 3q. Divided by 1 Coulomb constant minus 2q divided by 1 और इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास आ जाएगा माइनस 5 KQ. तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है. इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो आप यहाँ पे चूंकि 4 डिफरेंट चार्जेस हैं तो फॉर एग्जांपल इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी कूलम कांस्टेंट माइनस 2q डिवाइडेड बाय 1. इसी तरह से इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो होगा कूलम कांस्टेंट माइनस 2q डिवाइडेड बाय 1. सिमिलरली फ्रॉम दिस चार्ज यू हैव कूलम कांस्टेंट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 1 और इसी तरह से इसके लिए भी आप लिख सकते हैं. तो इसके लिए मैं अगर डायरेक्ट लिखूं यहां पर फिगर नंबर सी तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो होगा कूलम कांस्टेंट माइनस 2q डिवाइडेड बाय 1 कूलम कांस्टेंट माइनस 2q डिवाइडेड बाय 1 कूलम कांस्टेंट माइनस 2q डिवाइडेड बाय 1 प्लस कूलम कांस्टेंट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 1. और इन तमाम चीज को अगर आपस में आप ऐड कर लें तो फिर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी -2, -2, -2, -6, and -7. Now for figure D. यहाँ पर भी चार डिफरेंट चार्जेस हैं और चारों चार्जेस को यहाँ पर और चारों चार्जेस की वजह से ओरिजिन पर अगर पोटेंशियल निकालना हो तो इंडिविजुअली चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और आपस में ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर भी मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा. यानी मिसाल के तौर पर पोटेंशियल फ्रॉम प्लस 2q at this point would be equal to Coulomb constant plus 2q divided by 1 minus 4q plus 2q and minus 7q. इस केस में जो पोटेंशियल होगा कूलम कांस्टेंट माइनस 4q डिवाइडेड बाय 1 कूलम कांस्टेंट प्लस 2q डिवाइडेड बाय 1 कूलम कांस्टेंट 2q डिवाइडेड बाय 1 कूलम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1. Or if you simplify this equation, you will have minus 4 plus 2. So, ye to aapke paas cancel ho jayenge. Finally, you have minus 7 KQ.
अब अगर मैं इन तमाम वैल्यू को कंपेयर करूं तो फिगर वन के लिए जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस के क्यू है, फिगर बी में पोटेंशियल की वैल्यू माइनस फाइव है और सी में पोटेंशियल की वैल्यू माइनस सेवन के क्यू है और डी में पोटेंशियल की वैल्यू माइनस सेवन के क्यू है। यानी अगर मैं इस फिगर के ऊपर इनकी वैल्यूज लिख दूं और इस केस में हमने निकाला है माइनस फाइव के क्यू, इस केस में हमने निकाला है माइनस सेवन के क्यू और इस केस में भी हमने निकाला है माइनस सेवन के क्यू। अब जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाइए। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि रैंक द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन मोस्ट पॉजिटिव फर्स्ट। लेकिन हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो तो तमाम की तमाम नेगेटिव हैं। तो अमूमी तौर पर अगर इनको हम कंपेयर करें तो जो लेस नेगेटिव है दैट विल बी कंसिडर एज रिलेटिवली मोस्ट पॉजिटिव एज कंपेयर टू अदर। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो यहां पर आप ये देखें कि ये जो सेकंड फिगर में जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये लेस नेगेटिव है। तो जनरली स्पीकिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेस नेगेटिव इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव इफ यू कंपेयर अदर मोर नेगेटिव नंबर्स। तो अगर मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ तो अरेंजमेंट मेरी ये होगी कि द मोस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल इन ऑल केसेस इज दिस विल बी अ नंबर वन एंड ऑल अदर हैज नंबर टू फॉर एग्जांपल बिकॉज तमाम की तमाम वैल्यू आपस में बराबर हैं। So figure B has relatively positive potential, then A, C and D all die.